ओ हेलो फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, जो कि कल रात मैंने पटवारी वाली वेटिंग पे वीडियो बनाया था, तो दोस्तों मुझे ये वहाँ लिस्ट जो कि कहाँ से आई, अब मुझे 5 6 7 छात्रों द्वारा वो लिस्ट भेजी गई थी। 6 से 7 छात्राओं द्वारा भेजी गई लिस्ट थी, बाकी उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। तो चलिए जी, तो आपको मैंने लिंक भी दे रखा है, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो पटवारी वाले से। तो चलिए जी, आपका मामला क्या है? तो देखिए, आपका हाई कोर्ट नैनीताल का जो कि 800 लिपि की और 80 पदों पर, जो कि 80 पदों पर आपका कनिष्ठ सहायक और आपका 82 पदों पर आपकी आर की थी, जो कि स्टेनो की पोस्ट। देखिए, उसका पेपर आपका 17 दिसंबर का हो गया है, लेकिन बात करते हैं इसका तो कितनी कितनी पोस्ट है। तो देखिए, ये सभी जिलों के लिए ये पोस्ट आ रखी थी, देख सकते हो आप। तो आप, कुछ लोगों का कमेंट है कि सर आपने इसमें वीडियो नहीं बनाई, तो मेरा जो कि त्रिपल सी का पेपर था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो लेकिन मैं आपको इसका एनालिसिस नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें आपको मोटा मोटा स्कोर बता सकता हूँ कि कितनी तक मेरिट जा सकती है। लेकिन अभी आंसर की भी नहीं आई, कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अनुमानित जो कि मेरे पे 5 छात्रों ने कहा है कि सर इतने नंबर हो जाएगा, तो मैं आपके लिए उसकी अनुमानित समझो या मोटा मोटा हिसाब, जो कट ऑफ आप संभावित कट ऑफ मत समझे इसको, मैं अनुमानित बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी आंसर की नहीं आई है। तो दिखाते हैं आपको पेपर का लेवल, जो कि पेपर किस प्रकार से बना था, तो पेपर दिखाते हैं पहले आपको, तब आपको लास्ट में उसका एनालिसिस बताते हैं कि किस तरह से आपका स्कोर इसमें रह सकता। तो चलिए जी, चलिए जी। तो दोस्तों, बात यह होती है कि पहले ये सुन लीजिए कि बात क्या होती है। तो दोस्तों, ये है ये NTA हाई कोर्ट का जो कि पेपर, जो कि आपका 17 मार्च को हुआ था। तो दोस्तों, पहले मैं तो ये कहूँगा कि इसमें मेरिट तो ठीक ठाक ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों जिस बंदे या बंदी ने 1000 रुपये खर्च किए होंगे, वो जो उनको अपने पे खुद कॉन्फिडेंस होगा, वो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे उत्तराखंड एग्ज़ाम के, पटवारी भी उन्होंने दिया, PCS दिया होगा, या कनिष्ठ सहायक इन्होंने दिया होगा, BDO इन्होंने दिया होगा, क्योंकि इस पेपर में भी ऐसे मान के मत चलिए कि अगर आपके 12,000 बच्चे थे, तो 12,000 में से चलो हम मान सकते हैं कि 1-2 हज़ार बच्चे पेपर छोड़ सकते हैं, तो 10,000 बच्चों ने पेपर तो दिया ही होगा, क्योंकि कोई जो बच्चा 1000 रुपये फीस देगा वो पेपर नहीं छोड़ेगा। अगर उसका दूर कहीं सेंटर पड़ा होगा तो उस कारण किसी कारण वो छोड़ सकता है, बाकी पेपर तो सबने दिया होगा। और इसमें भी 1000 रुपये देकर पढ़ने वाले छात्रों ने ये पेपर दिया है, क्योंकि तो जिन्हें इन पर विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं आपको सलेक्शन लेना है, मेरी तैयारी भी सही है। तो देखिए, पेपर देखते पहले तो देखिए, ये क्वेश्चन भी सही है, जो हिंदी देखते हैं, हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपके टोटल आए थे 14 क्वेश्चन। तो 14 में से अगर आप हिंदी सही आर की है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपके दर्शन दुर्लभ होंगे, जैसे नील गगन था, उपमा इसमें देखिए, आपका इसमें आपका विफदगा नहीं होगा, बाकी आ का आपका ये होगा, वायसु का होता आसन और विपासु भी होता है, बाकी मित्र का आपका जो रिपु का आपका मित्र होगा इसका, बाकी इस कामना का आपका यातना होगा शायद। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा अनुमान है, सबके समान अधिकार को समाजवाद कहते हैं, बाकी जगतपन आपका ये होना था इसका, बाकी ये देखिए वाक्य है, तुम हे प्रभु तुम कहाँ हो, हे प्रभु, तो आपने वो मैम्स या मैम्स नहीं सुना होगा, हे प्रभु आजकल जो फेमस हुआ, ये क्या हो गया, तो इसमें आपका प्रभु वाला था, ऑप्शन सही था। बाकी मुदित महापति मंदिर आए, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होता, जिसे लगाव ना हो सके उसके लिए आपका अलगाववादी होगा। बाकी ये देखिए, ये 14 क्वेश्चन है, चलो हिंदी में से मैं 14 में से आपका कि आपका 10 से 12 नंबर बन सकते थे, जो ठीक ठाक जो कब से तैयारी कर रहे होंगे तो 14 भी लाए होंगे कोई कोई, लेकिन 10 या 12 नंबर तो इसमें बने थे आपके, जो ठीक ठाक पढ़ने वाले। अब जो नए छात्र होंगे उनके थोड़ा कम भी आ सकते हैं। बाकी इसमें देखिए, इसमें GS भी बढ़िया पूछी थी कि दांडी मार्च किसे लाए, तो हमारे सब ने अवैध आंदोलन को आगे लाया। बाकी ये वाला क्वेश्चन ये आपका, अब बता दें इसमें मेरिट किससे हुई, बाकी मियादी बॉन्ड आपका एक जो कि वचन पत्र होता है इसमें तो ऑप्शन ही आया। बाकी कंप्यूटर खरीदने के लिए आपका अग्रिम राशि आपकी 25,000 भी हो सकती है, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए पूछा गया था। बाकी इसका खाक सूचकांक में आपका विशाखापट्टनम, बाकी आपका उत्तरी ध्रुव में इसका ये होना था, बाकी आपके ये क्वाड के सदस्य कौन का सदस्य, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और महात्मा बुद्ध को आप कहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो बोध गाय में। बाकी ये देखिए,
जीएसटी द्वारा क्या समाप्त किया गया, तो मूल्य संवर्धित कर, बाकी ज्वार भाटा भी आपको आता है, बाकी कौन सी यूरो मुद्रा नहीं तो स्विट्जरलैंड इसका होना चाहिए था, बाकी इसमें क्या, इसमें आज आपके जो बाकी आपका आरके राज्यसभा का पद इन सभापति तो आपका उपराष्ट्रपति होना था, बाकी ये देखिए, बाकी ये बता रखा है किस किस की ये है, बाकी हिंदी के महान कवि का ये भी आरका, बाकी नोबेल पुरस्कार आपके सही क्वेश्चन आरके कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो आपका ये देखिए बता रहे हैं दोस्तों आपको पूरा इसका ये बता दें, बाकी आपका राजस्थान में कौन सा है तो आपका इसका ये होना था आपका जो कि ताम्र खतेड़ी किसके लिए, तो ताम्र के लिए प्रसिद्ध है, बाकी एलिफेंट की गुफा आपकी भगवान शिव को जो कि प्रसिद्ध है, तो मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ मैं, अब मैं आपको हो सवाई भी लेके जाऊँगा जो देखे किसकी भौगोलिक, तो हमारे जो कि प्राचीन महाकाव्यों से प्राप्त नहीं होती है ये भी इनका है, बाकी ये देखते हैं, तो बाकी आपको जीएस की बता दी मैंने आपको, जीएस किस प्रकार से आता हूँ आपके, आप सोच रहे होंगे सर कि इसमें लॉ के क्वेश्चन आ रखे थे, वकील के क्वेश्चन आ रखे थे, उस हिसाब से हमारा स्कोर क्या होगा, तो चलिए जी पहले चलते हैं हम अपने जो कि उत्तराखंड की ओर, तो उत्तराखंड में देखिए तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो कि NH7 होगा आपका, बाकी फाल्के दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका जो कि फिल्म उद्योग में दिया जाता है, तो देखिए देखिए बताते हैं आपको, उत्तराखंड भी बताते हैं आपको उत्तराखंड किस प्रकार से, तो उत्तराखंड का आपका सही था 42 क्वेश्चन है आपके आए थे उत्तराखंड में, 42 में आपसे आपके 35-36 आप उत्तराखंड में मार जाते हो, 35-36 तो 35-36 आपका 12 जो कि 12 या मार के चलो 36 भी मारते हो तो 48 नंबर आपके ये बन जाएंगे, बाकी अब जीएस में चलते हैं, जीएस किस प्रकार से थे तो उन 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन को घटा लो, क्योंकि आपका कुछ देखा जाए तो 15 और आपके 40 ही क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन मान के, 54 क्वेश्चन मान के चलो आपके उत्तराखंड और हिंदी से बन रखे थे 54 क्वेश्चन, 54 में से आपका स्कोर जो कि मेरे हिसाब से आपका 54 में से ठीक ठाक स्कोर जो कि 47 से 48 नंबर तक तो आपके बननी चाहिए, तो 48 हम हिंदी और स्कोर मान के चलते हैं, बाकी आपका दिखाते हैं आप जी एस कितने नंबर की, तो 100 इसमें से हम घटाते हैं, तो बाकी हमारे पास बचते हैं, तो दोस्तों अब बचते हैं हमारे 86 क्वेश्चन जो कि थे जीएस के, 86 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आपके 54 नंबर आपका उत्तराखंड और हिंदी आ रखी थी, क्योंकि जे देख सकते हैं 42 आपके 40 नंबर उत्तराखंड से थे और आपके 14 क्वेश्चन हिंदी के, तो आपके बचते हैं अब 86 क्वेश्चन, अब 86 क्वेश्चन में आपको बताते हैं इसका एनालिसिस कितना होना चाहिए, तो 46 क्वेश्चन में बाकी ये देखिए 20 क्वेश्चन आप उन 86 में से घटा लीजिए, अगर आपको लो या कानून आपने नहीं पढ़ा है तो उनमें से आप 20 क्वेश्चन माइनस कर सकते हो, तब आपके 66 क्वेश्चन जो कि बच रहे हैं तो उनमें से आपके स्कोर कितना बनना चाहिए था, तो स्कोर आपका उनमें से 66 क्वेश्चन में से कहीं नहीं तो आपके 45 नंबर वहां से बनने चाहिए थे, 45 से 40 नंबर में मान के चलूँ जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं हो जो कि उन 66 क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इसमें से माइनस 20 कर रहा हूँ, क्योंकि ये लो के क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उत्तराखंड पढ़ते हैं जीएस पढ़ते हैं, बाकी 66 में से आपको आपके कितने स्कोर बनना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से आपका 40-45 स्कोर आपने 42 क्वेश्चन आपने बनाए होंगे और 48 आपकी, तो आपकी मेरिट की बात की जाए तो आपका इसमें मेरिट आपकी 90 नंबर 85 से आपके 90, जिसके 85-90 प्लस वाले तो होंगे 100 वाले टॉपर भी मिलेंगे, जो आपका मान के चलिए 88 से प्लस वाले सेफ हैं इस एनटी एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं गलत हो जाते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं अगर हम सपोर्ट डेट 3200 क्वेश्चन है ये इसके एक चार ऑप्शन ये OMR रहते हैं, हमको 31 का हमको 32 का बी करना है 33 का सी हो जाता है, इस कारण से हमारे कुछ क्वेश्चन हमारी गलती ये रहती है कि जैसे ये क्वेश्चन श्रृंखला रहती है आपकी OMR पे जे 33, 34, 35 कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें 33 का डी करना होता है, हम 34 का डी कर देते हैं, इस हिसाब से हमारे कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम जो आते आते क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, बाकी मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे 85 या 90 प्लस वाले हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर दें, तब किस कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं 85 से 90 वालों का चांस कब पड़ेगा, 85 से 90 वालों का चांस कब पड़ेगा, जब आपके 2 गुना लिए जाएंगे, और अगर 1 ही गुना लिए जाएंगे तो आपके 90 प्लस या 95 प्लस वाले सेफ हैं, 90 प्लस वाले जो कि टाइपिंग की तैयारी कर दें, जब अगर 1 गुना ही लिए जाएंगे, 60 ही बच्चे लिए जाएंगे, अगर 2 गुना लिए जाते हैं 120 बच्चे लिए जाते हैं टाइपिंग के लिए,
तो कनिष्ठ आय की बात कर रहा हूँ मैं, आसुलिपि की, और उसकी बात कर रहा हूँ कनिष्ठ आय की, तो आपका 85 से 90 वाले भी आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अगर 120 लेंगे, 60 पोस्ट है तो 120 लेंगे, अगर 53 गुना लेंगे तो, वैसे UKPSC ने तो 5 गुना लिए थे, लेकिन अगर आपका ये 3 गुना भी लेते हैं तो आपके 180 बच्चे हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि 85+ वाले भी आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपके इसमें लो के आ रखे थे, अगर वो लो के क्वेश्चन घटा के दें तो ठीक ही ठाक GS भी थी, कुछ क्वेश्चन भी टफ थे, लेकिन मान के चलिए आप जो मैंने आपको मोटा मोटा अनुमान बता दिया है। बाकी ये देखिए लो के क्वेश्चन आपको मैंने गिना चुका है कि कितने क्वेश्चन आ रखे आपके लो के, तो एक आपके 20 के 25 मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया, फिर मैंने आपको जो कि इसकी एग्जिट अनुमानित संभावित, अभी क्योंकि आंसर की नहीं आई दोस्तों, इसको आप ये मत मान के चलिए कि आपके ये इतने ही बनेंगे, या इससे आप हो सके आप 110 स्कोर कर पाए एग्जाम में, हो सकता है 110 भी कर सकते हो, 95, 97, 100 भी किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आती है, फिलहाल मेरे को बच्चों ने जितना अपना डाटा दिया है उस हिसाब से मैं जो कि ये बना रहा हूँ, आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।